हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजीबे। इजीबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी बोर्ड। ठीक है, एनटीपीसी स्टेज वन यानी कि सीबीटी वन जिसको कहते हैं, उसमें से 3 मई 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुई थी उसमें गणित सेक्शन से यानी कि गणित में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उसका लेवल क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन था, ये सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन का 2 से 3 सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें से जो आपको शॉर्टकट सॉल्यूशन लगे या जो ज़्यादा सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छा लगे वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस लेसन में हम लोग 3 मई 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 3 मई 2016 को, उसमें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ये लेसन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था 3 मई 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, कि पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या देखिए आपकी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ।। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर आपको जीरो लगे ना, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि माध्य क्या है, ये जो दिया हुआ है कि माध्य निकालना है। तो माध्य क्या है, माध्य को अगर जो इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं मीन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पूछ रहा है कि माध्य क्या है। ठीक है ना, तो इसका इसके पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि माध्य का डिफिनेशन क्या होता है। तो माध्य का डिफिनेशन होता है कि यह एक संख्याओं के समूह में से वह संख्या है जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, समझिए। यानी कि यह एक संख्याओं का समूह है, मतलब संख्याओं का समूह हो गया, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ऐसे एक संख्याओं का समूह है। समूह में से वह संख्या मान लीजिए कि वह 9 है, वह संख्या है जो सभी संख्याओं को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 9 वह संख्या है जो सभी संख्याओं को तो 9 इस ये जो समूह है संख्या, इसका मीन हो गया। ठीक है, समझ गए एग्जाम्पल से, और अच्छा समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 6, 8, 12, 15, 19। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ संख्या, इसमें से 12 वह संख्या है जो जो जितना सारा संख्या का समूह है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 12 ये सारा सीरीज का, ये सारा संख्या का क्या हो गया, मीन हो गया, यानी माध्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है माध्य निकालने के लिए, बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये देखिए, इस लेसन में हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन आपको मैथ के प्रीवियस ईयर कराएंगे, तो उसमें से ऐसा नहीं कराएंगे कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता दिए, नहीं, उसके एक एक टर्म को आपको सिखाएंगे पहले, चाहे वो बच्चा भी इसमें सीख सके जो जिसको कुछ नहीं आता है, जीरो से जो स्टार्ट किया है। और वो बच्चा के लिए भी ये वीडियो है, लेसन है, जो कोई बहुत कुछ जानता है, जिसको सिर्फ रिविजन की जरूरत है, तो उसको भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको ये भी बताएं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर माध्य क्या होती है, तो इसका ये भी इसका डिफिनेशन भी बताएं, परिभाषा क्या होता है। अब माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, जो संख्या दी हुई है, आपको पहले समझा दे, दो संख्या दी हुई है उसका योग, ठीक है, योग बाय नंबर ऑफ संख्या, जितनी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको बेसिक मतलब बता दिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो इसका माध्य निकालने के लिए पहली 40 प्राकृतिक संख्या
का योग बाय 40, जितना नंबर ऑफ संख्या दिया हुआ है। अब ये बताइए कि पहली प्राकृतिक संख्या का योग, 40 संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला होता है? तो योग निकालने के लिए हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये अगर जो फार्मूला आप इस तरह का जितना भी फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नंबर सिस्टम और नंबर संख्याएं करके एक वीडियो और उसमें जितना भी नंबर सिस्टम का एक फार्मूला होता है वो फार्मूला बुक, उसमें फार्मूला चार्ट हम उसमें बना के आपको हर एक को अच्छी तरह से समझाए हैं। तो ये देखिए 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का ये फार्मूला है। तो कितने है यन इक्वल टू कितना हो गया 40 प्लस 1 बाय 2, तो ये आपका हो गया 40 गुने 41 बाय 2, तो 2 से कट गया 20, ये हो गया 820। अब यहाँ पे ये हो गया 820 बाय 40, 0 0 कट गया तो 82 बाय 4, तो ये हो गया 2 से काटेंगे तो 41 बाय 2 यानी 20.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, 20.5, तो देखिए ऑप्शन में है 20.5 इज द राइट आंसर, समझ गया ना। तो इस टाइप का जिस क्वेश्चन देखिए आती है एग्जाम में, तो इसका आपका आंसर समझ गया, ये आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, इतना दिया हुआ है उसमें माइनस पावर 2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 0.0001 पे पावर माइनस 1 बाय 2। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीका से बना सकते हैं, हम आपको 2-3 तरीका इसका बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम ये कर सकते हैं ना कि जो ये टर्म दिया हुआ है दशमलव को, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन को दशमलव में और दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करता है इंसान अपने सहूलियत के अनुसार से। तो यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सॉरी दशमलव में दी हुई है, अब इसको हम अपने इजी अनुसार अपने सहूलियत के अनुसार से इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने से क्या होगा 1 बाय 1, कितने सुने होंगे 1 2 3 4, ये सुना हो गया। ठीक है, अब इस पे पावर क्या है माइनस 1 बाय 2, तो इसको हम लोग अगला जो स्टेप होगा वो होगा ये कि 1 0 0 0 0 4 पे पावर 1 बाय 2। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला गया तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा पावर। ठीक है, क्योंकि नीचे भी ये पावर था तो ऊपर जाकर माइनस 1 बाय 2 हो गया। अगला स्टेज हो जाएगा कि 1 बाय, देखिए कितना 10,000 है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि पावर 1 बाय 2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो 1 0 2 3 4 0, तो हो जाएगा 1 बाय 100 इज द राइट आंसर। देखिए 1 सेकेंड भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं लगेगा, ये तो आपको हम सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगेगा। अगर आप सीखे हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, उसके बाद अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो देखिए 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा सोल्व करने में। कैसे नहीं लगेगा कि देखिए आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है और सोल्व किए हुए, तो डायरेक्ट यहाँ पे दशमलव हटाइएगा 1 2 3 4, डायरेक्ट उनके नीचे 4 सुनना लगाइएगा, इसको नीचे लगे तो डायरेक्ट 1 बाय 100 बी आंसर 1 सेकेंड के अंदर। देख बिना पेन एंड पेपर उठाए, बिना पेन और कॉपी यूज किए हुए, पेपर यूज किए हुए आपको 1 सेकेंड में सोल्यूशन करके टिक करके चले आइएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का हम 2-3 तरीका आपको बताएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे सोल्व, 2-3 तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन का, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप ग्रहण कर लीजिएगा। पहला है कि एक वर्ग की वर्गीकरण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग किसको कहते हैं, स्क्वायर, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, उसकी वर्गीकरण की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो वर्ग की भुजाओं यानी कि साइड क्या होगी, साइड इसमें पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला जो फार्मूला होता है, अगर जो पहला सॉल्यूशन है पहला प्रकार का, तो उसमें से है पहला आपको ये हो जाएगा कि भुजा इंटू रूट टू इक्वल टू होता है विकर्ण की लंबाई, ये आपकी पहली फार्मूला है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला के अनुसार से अगर जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भुजा, ठीक है भुजा दी हुई है विकर्ण की लंबाई, ठीक है तो भुजा हमको निकालना है। ठीक है ना, भुजा हमको निकालना है इंटू रूट टू बराबर विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो 4 इक्वल टू भुजा इंटू रूट टू, अब भुजा हमको निकालना है तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय रूट टू,
चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो बाय रूट टू, रूट टू दो को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू रूट टू यहाँ से कैंसिल हो गया, तो टू इंटू रूट टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा है, दूसरा तरह का सोल्यूशन है, देखिए कि भुजा के स्क्वायर इक्वल टू होता है वन बाय टू वी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, भुजा का स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये तो रहने देते हैं, इसको स्क्वायर रहने देते हैं, क्या कि हमको भुजा निकालना है, वन बाय टू ये दिया हुआ है, तो चार का स्क्वायर क्या हो गया, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय सोलह। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि चार का स्क्वायर सोलह हो गया। अब हमको निकालना है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो गया आठ से कटेंगे, दो चार दुनी आठ दुनी सोलह, तो आठ हो गया, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आठ, और अंडर रूट आठ को क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो गुने दो, ऐसे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो ये हो गया दो, ये हो गया रूट टू, टू रूट टू इज द राइट आंसर। तो दो तरीके से आपको बताएं, आपको जो अच्छा लगे, जो शॉर्टकट लगे, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन सीख सकते हैं। अरे एक चीज़ और देखिए, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए बहुत ट्रिकी है, बहुत मस्त ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे तरह से बहुत पसंद किया मैं इस ऑप्शन को। देखिए टू रूट टू भी दिया हुआ है, प्लस माइनस टू रूट टू भी दिया हुआ है। आप बोलिएगा कि सर कैसे, तो देखिए बंदा क्या कन्फ्यूज करेगा, कन्फ्यूज ये करेगा कि देखिए अगर वो ये सोल्यूशन से जा रहा है, इस रास्ता से मतलब पहुंच रहा है, तो ठीक है दो रो टू आंसर सही मार दिया। लेकिन अगर वो इस प्रॉब्लम से मतलब इस तरह से सोल्व कर रहा है, तो अंडर रूट आठ है, ठीक है, तो अंडर रूट आठ है, तो जब अंडर रूट टूटता है, तो इसका जो बाहर निकलता है वो प्लस माइनस दोनों लेके निकलता है। ठीक है, तो आप ये भी प्लस माइनस दोनों निकलता है, यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ प्लस माइनस दोनों, तो बंदा ये टिक करके चलाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर, आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई कभी कभी देखें कि माइनस में लंबाई होती है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव, या तो जीरो होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज दी हुई है तीन बारह चार छः आठ पाँच चार। ठीक है, इस आंकड़ों का माध्य क्या होगा, माध्य अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या होगा, पहले इस सब का योग निकालेंगे हम लोग, तो क्या दिया हुआ है तीन बारह चार छः आठ पाँच चार, इसका योग निकालेंगे, योग निकालने के बाद जितने नंबर ऑफ संख्या दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए चार छः दस बारह आठ बीस तीस हो गया, तीस हो गया, और पाँच तीन आठ, आठ चार बारह तीस आठ बयालीस, बयालीस हो गया, इसका सम हो गया, कितने दिया हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात से डिवाइड कर देंगे तो सच्चक बयालीस, छः इधर राइट आंसर। देखिए एक सेकेंड का काम है, एक सेकेंड भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। देखिए एक ट्रिक आपको सिखाना चाहेंगे, जैसे इस तरह से जब दिया हुआ है ना आपको, तो सम कैसे करने का, देखिए ईजी होगा, दस का पेयर आप बनाइए। देखिए हम क्या किए, छः चार दस हो गया, बारह आठ बीस हो गया, बीस दस तीस हो गया। ठीक है, अब बचा मेरा पाँच तीन चार, तो पाँच तीन आठ चार बारह, तो तीस चार तीस बारह बयालीस, बहुत ईजिली थोड़ा सा कम समय में जल्दी में शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर जोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए दिया है के इक्वल टू के का वैल्यू माइनस तीन दिया हुआ है, यम का वैल्यू एक दिया हुआ है, यन का वैल्यू माइनस चार दिया हुआ है, तब आपसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जिसका मान पूछ रहा है, जो दिया हुआ है किसका मान पूछ रहा है, थ्री के प्लस टू यम बाय टू यन माइनस थ्री के। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो जो दिया हुआ है वैल्यू पुट कर देते हैं, थ्री के का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस थ्री, प्लस टू यम का वैल्यू क्या दिया हुआ है वन, ठीक है, बाय टू यन का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस चार, माइनस थ्री के का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस थ्री, सबका वैल्यू हम पुट कर दिया, अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, तो थ्री माइनस थ्री माइनस नाइन प्लस टू बाय माइनस एट, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस नाइन, तो जाएगा माइनस सेवन बाय वन इक्वल टू माइनस सेवन आंसर, माइनस सेवन ए द राइट आंसर। समझिए, जो वैल्यू आपका दिया हुआ है जिसमें जिसका मान पूछ रहा है उसमें आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फिर देखिए कितना बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में, देखिए एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन का वैल्यू पूछ रहा है,
ठीक है। तो देखिए एक टर्म को इस साइड कर लेंगे, या तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो क्या किए हम, 3x माइनस एक्स ले आएँ, ये एक्स को हम इधर ले आएँ, तो इधर प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया। अब माइनस सेवन माइनस थ्री को इधर ले आएँ तो प्लस थ्री हो गया इक्वल टू जीरो। तो अगला क्या हो गया, 2x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू टू, इधर राइट आंसर हो गया। ठीक है, दो आपका राइट आंसर यानी बी सही आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। ठीक है, तो दी हुई संख्या में से किसका आरोही क्रम सही है, तो देखिए सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबको देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन को हम लोग पॉइंट में डेसिमल में करके आरोही क्रम में